विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का क्या है हनीमून प्लान? रॉयल शादी के बाद महंगा पड़ेगा हनीमून पर जाना, क्या है पूरी बात? चलिए हम आपको शुरू से बताते हैं। इंटरनेट पर पिछले कई दिनों से चर्चा में है विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की खबर। दोनों ही सितारों ने इस खबर पर अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अब एक बार फिर सामने आई है इन दोनों की शादी को लेकर एक बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ राजस्थान में रॉयल शादी करने के बाद नहीं जाएंगे हनीमून पर। जी हाँ, सही सुना आपने, विक्की कौशल शादी के बाद कैटरीना को नहीं ले जा पाएंगे हनीमून पर, क्योंकि कैटरीना कैफ को शादी के तुरंत बाद ही सलमान खान के साथ अपने फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग को शुरू करना है। इसके अलावा कैटरीना कैफ एक और फिल्म की शूटिंग को दिसंबर के महीने में ही शुरू करने वाली हैं। वहीं विक्की कौशल मेघना गुलजार की फिल्म में बिजी होंगे और उनके साथ वह एक कॉमेडी फिल्म मिस्टर लेले की भी तैयारी कर रहे हैं। मिला जुलाकर अगर देखें तो दोनों ही सितारे अपनी शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे, तो हनीमून पर जाना उन दोनों के करियर के लिए महंगा पड़ जाएगा। वेल, बॉलीवुड के इन अनऑफिशियल जोड़े के शादी और हनीमून की खबर को लेकर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।